अहम खबर है कि लाहौर में डीआईजी शारिक जमाल की पुरसरार मौत हुई है। शारिक जमाल की लाश थाना नश्तर की हदूद में वाक़े फ्लैट में पाई गई। पुलिस राय ने बताया कि शारिक जमाल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल मुंतकल किया गया है और तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, राना मोहम्मद अली बताएंगे। जी अली जी, लाहौर में जो डीआईजी शारिक जमाल की हलाकत का मामला है, इस हवाले से जो थाना नश्तर की हदूद में फ्लैट नंबर 104A जहां से इनकी डेड बॉडी बरामद हुई है, वहां से एक मर्द और एक खातून को जेरे हिरासत लिया गया, जिनसे थाना ए डिवीजन के अंदर इस वक्त तफ्तीश जारी है, जिसमें दोनों डीएजी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन एसपी मॉडल टाउन, क्योंकि ये बकुआ एसपी मॉडल टाउन की हदूद का है, इनकी लेकिन हाई जोन सी है वो फेस डीएचए की है। दूसरी जानब तहकीकत के हवाले से लाहौर पुलिस जोन सी है वो तमाम पहलू देखेगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये एक फ्लैट के अंदर पाए गए हैं मुर्दा हालत के अंदर, और इनको इनके मुंह से जो ब्लड आ रहा था उसके हवाले से तहकीकत की जा रही है कि इनकी जानब से कोई ऐसी ओवरडोज तो नहीं ली गई जिसकी वजह से इनकी तबीयत इस हद तक पहुंची कि वो जानबर ना हो सके। दूसरी जानब पोस्टमार्टम की लाश को जोनसा जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, मुकदमा दर्ज होगा इनकी बीवी की मदियत के अंदर। अहले खाना जो से इस हवाले से किसी किस्म की बात मीडिया से नहीं कर रहे। मुतलका पहले कहा जा रहा था कि एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन और जो ऑपरेशन है इन दोनों के हवाले से कहा जा रहा था कि ये तहकीकात करेंगे, लेकिन ये बकुआ एसपी मॉडल टाउन की हदूद के अंदर है, जिस बिना पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन ने अमारा अतर को भी बुलाया ए डिवीजन के अंदर, और यहीं पर सीआईए तमाम सारी एजेंसियां जितनी भी सिक्योरिटी अदारे वो उस मर्द और खातून से तहकीकात कर रहे हैं ताकि उससे तमाम तर मालूम ली जाएंगी कि उस फ्लैट के अंदर कितने बजे ये दाखिल हुए, कितने बजे इनको मालूम ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।